हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेगुक फैन फिक्शन बॉक्सर एंड डॉक्टर के पार्ट 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आप सबके लिए स्वीट सी वार्निंग, पहले ही अपने हेडफोन को वेयर कर लो, क्योंकि आज के एपिसोड फुल ऑन रोमांटिक होने वाला है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। द यंग पैशनेटली जेके को किस करने लगता है। तेंका किस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और रफ होता जा रहा था, जिससे जॉन को कांपने लगता है। तंग लंबे समय तक जेके को किस करने के बाद जब किस ब्रेक करता है, दोनों के लिप्स और टंग बेशक एक दूसरे से अलग हो चुका हो, लेकिन अभी भी दोनों के स्लाइबा एक दूसरे के टंग से जुड़े हुए थे। तेगंग एकदम से पैंट के अंदर से अपने सर्टेन पार्ट को बाहर निकाल लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रॉक जैसा स्ट्रॉन्ग बन गया है। तेगंग कहता है, हे डॉक्टर जॉन, सक इट। ये सुनकर जंगकुक कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाता है। जंगकुक पहले जितना इस चीज से डरता था, अब भी उतना ही उसे डर लग रहा है। तेंके लॉन्ग हार्ड चीज ऑलरेडी जंगकुक के नोज से टच हो रहा था। जंगकुक कहता है, सर। तेगंग कहता है, वो तुम ही हो ना डॉक्टर, जिसने मुझे एक अच्छी छुट्टी के दिन देने की गारंटी दी थी। तो अब तुम इस तरह से मेरे छुट्टी का दिन बर्बाद तो नहीं कर सकते हो ना, और मैं तुम्हारे साथ फोर प्ले करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, मुझसे बहस करना बंद करके खुद को लूज क्यों नहीं करते हो, और चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कहकर तंग एक हाथ से जॉन्गकुक के पैंट पुल कर उसके पैरों के बीच से निकाल लेता है। तेगंग कहता है, और ऐसे भी डॉक्टर, क्या तुम्हें याद है, तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो। जॉन्गकुक अपने सामने तेगंग के उस ह्यूज पार्ट को देखकर शेक कर रहा था। फेस कुछ करने से पहले ही लाल हो चुका है। तेगंग जॉन्गकुक के हाथ में एक बॉडी ऑयल देता है खुद को लूज करने के लिए, लेकिन उसे इस काम के लिए ज़रा भी टाइम दिए बिना ही दोनों हाथ जॉन्गकुक के गर्दन के पीछे ले जाकर टाइटली उसका गर्दन पकड़कर अपने ह्यूज सर्टेन पार्ट को जेके के माउथ के इनसाइड इंसर्ट कर दिया था। तेगंग जेके माउथ वाइडली ओपन करने से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, और डरना भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड और लॉन्ग है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मैं इतने बड़े चीज़ को कैसे सक करूँगा, इसे मेरा दम घुट रहा है, आह मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, गले में दर्द कर रहा है। लेकिन तंग उसके अंदर तो पागलपन सवार हो गया है। तंग फुल ऑन मूड में आ चुका है। तंग अपने चीज़ जॉन्गकुक के माउथ के अंदर जोर से प्रेस करने लगता है। जॉन्गकुक कांपती हुई हाथों से बॉडी ऑयल लेकर एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए खुद को लूज करने की ट्राई कर रहा था। तंग जॉन्गकुक के नेक पकड़ कर खुद ही अपने चीज़ को उसके माउथ के अंदर पुश कर उस चीज़ को अप एंड डाउन करने लगता है। तंग स्मार्क करते हुए कहता है, हे डॉक्टर जॉन, तुम्हें एक साथ दो दो चीज़ कंटिन्यू करके कैसा लग रहा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ऑफ कोर्स तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, तुम अपने माउथ से मेरे इस चीज़ को सक कर रहे हो और अपने फिंगर से तुम खुद को लूज भी कर रहे हो, एक साथ दोनों साइड से लेना तुम्हें पसंद आ रहा होगा, है ना। ते दोनों हाथों से जेके के सिर पकड़ कर और डीपली अपने चीज़ को जॉन्गकुक के माउथ के अंदर डालकर कहता है, क्या ये अच्छा है डॉक्टर जॉन। जॉन्गकुक तंग के डर से कांपती हुई हाथों से खुद को लूज करने लगता है। जॉन्गकुक मन में सोचता है, ना मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। तभी अचानक तेगंग अपने सर्टेन पार्ट को जॉन्गकुक के माउथ से निकाल कर टाइटली उसके हेयर्स को ग्रैब करके कहता है, हे डॉक्टर, ये तुम क्या कर रहे हो, देखो इसमें तुम्हारा दांतों का निशान बन गया है, तुम अब भी अपने टीथ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हो, तुम इस तरह से कैसे सक कर सकते हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जॉन्गकुक बुरी तरह से कांप रहा था। जॉन्गकुक शिवरिंग वॉइस में कहता है, सॉरी सर। तेगंग कहता है, क्या तुमने अपने आप को लूज कर लिया है। जॉन्गकुक कहता है, अभी तक नहीं। तंग ए सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तेगंग कहता है,
क्या तुम कुछ भी सही से नहीं कर सकते हो? चलो अब आगे की तरफ झुको। ते जोंगकुक को उसके सामने बेंड होने के लिए कहता है। जैसे ही जेके थोड़ा बेंड होता है, तेंग उसके अंदर तुरंत दो फिंगर्स इंसर्ट कर देता है विदाउट वार्निंग, जिससे जेके का तो जान निकल जा रहा था। जोंगकुक चीखने लगता है। जोंगकुक कहता है, आह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ सर लेट मी गो। तेयंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँ हाँ, और तुम अपने उंगलियों से इस तरह खेलते रहो और हम पूरा दिन यही करेंगे हाँ। तेयंग एक हाथ जोंगकुक के स्टमक के नीचे रख लिया था और दूसरा उसके बॉटम पार्ट को लूज करने में तेजी से फिंगर को मूव कर रहा था। तेयंग का लॉन्ग फिंगर बहुत डीप जाने लगता है। जोंगकुक अब चीखते हुए कहता है, आह वेट प्लीज़ स्टॉप वेट स्टॉप। लेकिन तेयंग इसे सुनकर भी अनसुना कर देता है। तेयंग कौन सा रुकने वाला है? जोंगकुक मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही रफ जा रहा है। नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तेयंग फिंगर ड्रीप कर अपने टंग से लिप्स को सिडक्टिवली सक करने लगता है। अचानक तेयंग वह लेट कर जोंगकुक के एक हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए अपने ऊपर बिठा लेता है। तेयंग स्माइल करके कहता है, डॉक्टर जियोन इस बार तुम खुद इसे अपने अंदर इंसर्ट करो। जोंगकुक यह सुनकर घबरा जाता है और पैनिक करते हुए कहता है, हाँ लेकिन सर ये तुम क्या कर रहे हो? तेयंग कहता है, डॉक्टर तुम कोई किड नहीं हो, क्या है जो तुम समझ नहीं रहे हो? अपने लेग्स को स्प्रेड करो और इसे अपने अंदर डालो। तुम सेक्स करने में बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। जोंगकुक मन ही मन कहता है, आह लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। तेयंग उसे गुस्से में देख रहा था। जोंगकुक उसे ऐसे देखकर और ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक कहता है, क्या मैं इसे करने के लिए घूम सकता हूँ? उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था, इसलिए जेके तेयंग के सामने फेस करके ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। तेयंग कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम इस तरह से सिर्फ बैठे मत रहो और कुछ करो इसके साथ। जोंगकुक फाइनली तेयंग के ह्यूज सर्टेन पार्ट को अपने हाथों से छूकर इसे अपने उस हिस्से के साथ रब करने लगता है। जोंगकुक इसे जरा सा प्रेस करके ही कांपने लगता है। जोंगकुक मन में सोचता है, इसकी एज कितनी गहराई तक जाना चाहिए मैं बता नहीं सकता, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ऑलरेडी मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तेयंग जोंगकुक के इस बच्चों वाली खेल को देखकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तेयंग दोनों हाथ जोंगकुक के कमर पर रखकर उसे टाइटली होल्ड कर अपने उस चीज़ को पूरा उसके अंदर डाल देता है। तेयंग कहता है, व्हाट द हेल डॉक्टर, चलो अब जल्दी से करो। जोंगकुक के बॉडी अब बुरी तरह से कांपने लगता है। जोंगकुक पेन में चिल्लाना शुरू कर दिया था। तेयंग कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम ये पहली बार कर रहे हो डॉक्टर, और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो तुम इसे करने के लिए क्यों इतना रुक रहे हो? जोंगकुक एकदम से उठ जाता है और तेयंग की ह्यूज चीज़ उसके अंदर से बाहर आ जाता है। जोंगकुक कहता है, एक मिनट सर। तेयंग कहता है, एक क्या है डॉक्टर? जोंगकुक कहता है, एक मिनट सर, आई जस्ट नीड ए मिनट, आई एम सॉरी सर। तेयंग कहता है, हे जोंगकुक क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं मूड में हूँ, तो फ्लू को तोड़ना मत। तेयंग गुस्से में जेके को अपने कंधे पर कैरी कर चलकर उसे लेकर पुल के अंदर जाने लगता है। जोंगकुक तेयंग को पुल के अंदर जाते देखकर घबरा जाता है। जोंगकुक के शब्द अब टूटने लगा था। जोंगकुक कहता है, सॉरी सर, तुम क्या कर रहे हो? तेयंग उसे लेकर वाटर में जंप कर देता है। एकदम से पानी के अंदर जाने से जोंगकुक पैनिक करने लगता है। जोंगकुक कहता है, मैं कहाँ हूँ? जेके बुरी तरह से खांसने लगता है। तेयंग दोनों हाथों से टाइटली जोंगकुक के बाट को ग्रैब कर अपने चीज़ उसके अंदर इंसर्ट कर उसके साथ पुल के अंदर ही इंटीमेट होने लगता है। जोंगकुक अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा था।
उसके आंखें बाहर निकल आए थे। जंगकुक सिसकियाँ लेने लगता है, जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। तयंग कहता है, तुम जो चाहते हो वो पानी के अंदर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक कहकर ते जोर से जंगकुक के बाट को स्क्वीज करने लगता है। जंगकुक कहता है, नहीं रुको, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है, पानी मेरे अंदर जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, क्या हम पुल से बाहर जा सकते हैं प्लीज़? जंगकुक तयंग के नेक से हाथ हटाते ही वो पुल में गिर जाता है। गिरते ही ढेर सारा पानी पी लेता है। तयंग कहता है, डॉक्टर तुम जिंदा हो, कितने बार कहा है मुझे कस कर पकड़ो, वरना तुम इसी तरह बार बार पानी में गिरते रहोगे। जंगकुक हाँपने लगा था। तयंग कहता है, तुम किस लिए रो रहे हो? जंगकुक कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, ये बस ऐसे ही। तयंग कहता है, डॉक्टर तुम एक एडल्ट हो, तुम हर समय इस तरह से रोते हुए नहीं रह सकते हो। जंगकुक आंसू वाइप करके कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, इतना पानी निकालना बहुत ज़्यादा स्कैरी था, आई एम सॉरी मैं नहीं रो रहा। तयंग कहता है, जो भी हो अब इसमें फोकस करो। ए कहकर तयंग अपना काम जारी रखता है। जंगकुक गिरने के डर से तयंग के बैग को टाइटली होल्ड कर लेता है, जिससे उसका नाखून तयंग के बैग पर चुभ जाता है। जंगकुक पेन में बहुत ज़्यादा जोर से नाखून से खरोचना शुरू कर दिया था। तयंग कहता है, आ आउच। तयंग स्मार्क करके कहता है, एक बार पानी के अंदर गिरना तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है। हाँ अब तुम सच में मुझे इतना कस कर पकड़ रहे हो, आंखें ऊपर करो मेरे तरफ देखो। जंगकुक आंखें ऊपर करके तयंग के तरफ देखता है। तयंग फिर से जंगकुक के लिप्स कनेक्ट कर उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को स्मूथ करने, किस करने और लिक करने लगता है। जंगकुक मन में सोचने लगता है, माई बॉडी इज सो कोल्ड, लेकिन जहाँ जहाँ हम दोनों के स्किन टच हो रहा है वह आँख की तरह जल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जंगकुक थक कर तयंग के बाहों में खुद को ढीला छोड़ देता है। तयंग कहता है, हे डॉक्टर जियोन उठो, चलो अभी उठो। जंगकुक कांपने लगता है। जंगकुक कहता है, आई फील डिजी सर। जंगकुक अभी भी उसे कस कर होल्ड किए हुए था। जंगकुक सेंसलेस होने लगता है। तयंग कहता है, ओ नो। ते उसे शेक करने लगता है। हे जंगकुक, हे वेक अप, ओ कम ऑन उठो। तयंग मन ही मन कहता है, पता नहीं क्यों मैं जब भी उसके साथ ये सब कुछ करता हूँ, जितना अधिक समय बीत रहा था मैं पूरी तरह अपने कंट्रोल को खो रहा था। मेरा अपने बॉडी पर और फीलिंग्स पर जो कंट्रोल होता है, अब मैं इसे पूरी तरह से खो रहा हूँ। जब भी वो मेरे पास होता है तब मैं अपने फीलिंग्स और अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आगे के चैप्टर में रीड करने के बाद उसमें से बोरिंग वाले चैप्टर को मैं हटाकर सिर्फ रोमांटिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आगे जो चैप्टर आने वाला है, बहुत सारे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, जिस वजह से मैंने इस मंगा को रीड करना बंद कर दिया था। और हाँ, आप लोग इसमें तेकुक के प्यार देखना चाहते हो तो मैं इसके रियल ऑथर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? रियल ऑथर का यही कहना है, इस स्टोरी में बॉक्सर के कैरेक्टर में जो है वो जैकियोन, ओके? तो बॉक्सर को इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा उसके पर्सनैलिटी का कारण बहुत ही ज़्यादा हाइप मिल रहा है, तो इसके लिए राइटर इस स्टोरी में इतने जल्दी बॉक्सर के साइड से इतने जल्दी प्यार को शो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर के साइड से हमें प्यार ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन बॉक्सर इतने जल्दी डॉक्टर के प्यार में नहीं पड़ेगा, ठीक है? अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम है, लेकिन डॉक्टर प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएगा और अपने फीलिंग्स को कॉन्फेस भी करेगा। और हाँ, कुछ लोग जो ये कमेंट कर रहे हो कि दीदी आपने इससे पहले शेयर किया है, क्या आप री अपलोड कर रहे हो, इससे सुना सुना लग रहा है, नहीं,
इस चैप्टर को मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, मैंने बीच में ही इसे बंद कर दिया था और जहाँ बंद किया था वहाँ से ही मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ज़रूर आप लोगों ने हिंदी में जो मंगा एक्सप्लेनेशन हो रही है आप लोगों ने उसे वॉच कर लिया होगा, इसलिए आपको सुना सुना लग रहा है, क्योंकि स्टोरी लाइन तो सेम ही है, बस मैंने इसे तेकुक पर कन्वर्ट किया है आप लोगों के वजह से, है ना। तो इसे मैं री अपलोड नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने इसे पहले शेयर किया था। ओके, अब समझ में आ गई, तो इस स्टोरी को इन्जॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।